Cause I just wanna go, go, go to the deep end. फ्रेंड्स, आप चाहते हैं पोको M3 में सेकंड स्पेस को क्रिएट करना और सेकंड स्पेस में उसका यूज़ करना चाहते हैं आप इस फोन को, तो वो कैसे कर पाएंगे, कैसे आप सेकंड स्पेस इस फोन में बना सकते हैं और कहां आपको देखने को मिल जाता है ये फीचर, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे पता चलने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर कम्प्लीट देखते रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस फोन की सारी अपडेट्स की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, क्या क्या फ्यूचर में आपको अपडेट्स मिलेंगे और उस अपडेट में आपको क्या क्या नए फीचर देखने को मिलेंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पे वीडियो के जरिए मिलता रहेगा। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अब फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे कैसे आप इस फोन में सेकंड स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए करना है फ्रेंड्स, आपको जो फोन की जो सेटिंग है उसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होता है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसको हल्का सा स्क्रॉल कर लीजिए। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्पेशल फीचर। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्पेशल फीचर, सिंपल आपको इस तरीके से इस पर क्लिक कर लेना है। अब फ्रेंड्स, आपको शो हो गया हुआ यहाँ पे सेकेंड स्पेस, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टर्न ऑन सेकेंड स्पेस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखेंगे आपका जो सेकेंड स्पेस है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब आपका फोन ड्यूअल होना स्टार्ट हो गया है, आपका नया फोन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ही देखेंगे यहाँ पर आपका ये स्विच होना स्टार्ट हो गया है, तो आप देखेंगे आपका फोन दूसरे स्पेस में जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आपकी जो फोन की ब्राइटनेस है, जितने सिस्टम एप्स हैं वो सारे यहाँ से क्लीन होने वाले हैं, आप नए स्पेस में जाएंगे, मतलब आप दूसरा डिवाइस यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक नई स्टाइल में। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा कंटिन्यू, इस पर हमें कर देना है एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे सेट नाउ पे आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से इसको पासवर्ड लगाना आपको जरूर रहता है, तो आप यहाँ पे पासवर्ड या फिर पिन कुछ भी लगा सकते हैं, पिन पैटर्न पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हैं। गेट इट पे क्लिक करना है और कोई भी यहाँ पे अपना पैटर्न सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना हो। इसके बाद आपको दो बार कंफर्म करा देना है इसको। अब देखेंगे आपका जो सेकंड स्पेस है वो कंप्लीट तरीके से यहाँ पे चालू हो जाता है। तो इस तरीके से अपना पैटर्न डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जितने पैटर्न पूछता है आप डाल लीजिए। यहाँ पे आपको कोई डिफरेंट पैटर्न डालना है जो कि आपसे बोला जाता है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए इसको। तो देखेंगे आपका जो कि ऑप्शन है वो यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह ऐड करने के लिए बोलता है, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब फ्रेंड्स, देखेंगे हम सेकंड स्पेस में कंप्लीट तरीके से आ चुके हैं। आप देखेंगे हमारे जो कि उस एप्लीकेशन जो हमारा उस बार वाला स्पेस था उसमें हमारे कुछ एप्लीकेशन अलग टाइप से चल रहे थे, उस वाले एप्लीकेशन हमारे अलग टाइप से चलेंगे। अब हमें फिर से वहीं पर जाना है, तो क्या करना है, फिर से हमें वहीं पर क्लिक करना होगा स्पेशल फीचर पर और सेकेंड स्पेस पर क्लिक करना है, और आपको वापस से उसी स्पेस पर जाना है जिसमें आपने क्रिएट किया था ये स्पेस। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिलेगा स्विच टू बीटन स्पेस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये पैटर्न पूछेगा, तो आपको पैटर्न सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और देखेंगे तो आप वापस से वहीं पे आने वाले हैं। तो देखेंगे हम वापस से वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सेकंड स्पेस। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप इस फोन में सेकंड स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आई होप दोस्तों आपको जरूर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।